दोस्तों इंडियन एंटी वन लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हमारी टीम मौजूद है रादौर हलके की पंचायत ऊंचा चांदने में। और बताते दोस्तों, यह पंचायत यहां पड़ती है रेलवे लाइन के पास, जहां पे काम चला है सरकार का अंडर ब्रिज का। तो जानेंगे यहां के कुछ लोगों की कंप्लेंट है, जो इंद्रपुरी कॉलोनी पड़ती है, यहां पे इनकी कंप्लेंट है कि पानी की निकासी नहीं है। जो PWD ने नाला बनाया उसका थोड़ा लेवल ऊंचे स्तर पर है, जिसकी वजह से पानी बैक मार जाता है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो ज़मीन है साइड में, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, यह पानी इससे पहले यहाँ जा रहा था, लेकिन जो सरकार ने रेलवे लाइन बिछानी स्टार्ट किया तो यहाँ से आगे बांध लग चुका है, और तब भी बरसात होती है ये पानी बैक मारता है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो किस प्रकार की समस्या है और कितनी बार प्रशासन से इन्होंने मांग की है, और क्या सरपंच और प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में, और क्या समस्या जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी तो क्या मामला है, क्या समस्या है जी? समस्या ये है जी कि पानी की निकासी नहीं है जी हमारे यहाँ पर जी, और सारा पानी दे तो रेलवे यार्ड में जाता है। अब रेलवे यार्ड वालों ने ये रास्ता कर दिया बंद बिल्कुल, दे तो रोक लगा दी चारों पास से उन्होंने, और अब पानी अब घरों में घुसने लग गया वापिस। जो पंचायत ने एक नाला खुदवाया था, उस नाले से वापिस पानी कॉलोनी में आ रहा है, कॉलोनी का पानी नाले में नहीं जा रहा है जी। और जिस दिन ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जब बरसात आ गई ना, ये पानी बिल्कुल घरों में घुस जाएगा और निकलना मोहल्ला बर्बाद है। इतनी गंदगी फैल गई, किसी भी टाइम महामारी फैल सकती है यहाँ पर। तो इससे पहले क्या व्यवस्था थी इस पानी की निकासी का, क्या प्रबंध था जी? पहले की व्यवस्था ये थी कि पहले रेलवे यार्ड खाली पड़ा था जी, बिल्कुल खाली पड़ा था, सारा पानी रेलवे यार्ड में बह जाता था, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, कभी किसी ने कोई कहा ही नहीं। अब रेलवे ने अपनी जगह एक्वायर कर लिया है और उसमें वो रेलवे लाइन नई बिछा रहे हैं, जो उसकी वजह से उन्होंने सारे चारों तरफ से नाकेबंदी कर दिया है और अब पानी की निकासी कहीं नहीं आई। और इस कॉलोनी का तो इतना बुरा हाल है कि पिछले 5 साल से लगातार सरपंच के पास जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई 15 दिन बाद जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता है, बस 15-20 दिन बाद काम लगवा दूंगा, सीवरेज बिछवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, वैसा करवा दूंगा, लेकिन आज तक उसने कभी आया नहीं है इस कॉलोनी में, देखने ही नहीं आया बस वो जी। हाँ, सरकार से भी आपने कोई मांग की कि कोई ज्ञापन सौंपा है किसी प्रकार? सरपंच जो पिछले MLA थे श्याम सिंह राणा जी को, उनको 2-3 बार दिखाया, उन्होंने कहा कि अब करवा देंगे, उन्होंने भी अब तक नहीं करवाया जी। धन्यवाद। हाँ, जी तो और भी दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के, कुछ जिन्होंने शिकायत की है उनसे जानेंगे। हमें इनको भी लिखित में जो है ना मनी उसके क्या कह रहे तुम्हारा ऋषि द्वारा सूचित किया हुआ है, हमें इसका कोई जवाब अब तक नहीं आया, मेरे पास सूखी कॉपी है जी। तो जी इसमें मतलब हम भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं, MPML को भी हमने यहाँ सबको दिखा दिया है जी। जो भी हमारे हलके में आते हैं सरपंच के पास रोज जाते हैं, वो कहता कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ बता, मतलब बहाने कोई ना कोई इसका लगे रहते हैं जी, लगे रहते हैं और भी जानते हैं। हाँ जी, आपका कहना है, क्या कहना है सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, सुखविंदर सिंह नाम है जी मेरा। तो इस या जो समस्या है जी आपकी, काफ़ी गंभीर समस्या है जी आपकी, तो इसके समाधान के लिए क्या मांग करोगे, किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है जी आपके जो माइंड में है जी? हमने प्रशासन से कई बार इसकी मांग कर चुके हैं, इसकी साफ सफाई के लिए, नाली की निकासी के लिए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ अब तक। हम इसकी निकासी जो है ना जल्द जल्द करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये कहाँ पानी कहाँ कन्वर्ट हो सकता है जी, निकासी जिससे निकासी का नाला बना उसमें हो सकता? ये तो कोई पंचायत की जमीन में, ये पंचायत अपनी तरफ से करेगी, लेकिन रेलवे की कॉलोनी है, इसमें से इन्होंने बंद कर दिया है, अब कहीं ना कहीं तो गाँव वालों ने इसको करना पड़ेगा ना जी, ये उनकी जिम्मेवारी है जी। जी हम तो जल्द से जल्द इसका करवाना चाहते हैं। तो अगर मान लो आपके प्रबंध नहीं हुआ, जो भी पंचायत के नुमाइंदे हैं सरपंच है, तो आगामी क्या कदम होगा आपका इसके? हम फिर इसका ऊपर प्रशासन को इसका जो वहाँ पे जाके हम कंप्लेंट करेंगे पंचायत की, अगर उसने हमारा काम नहीं किया। क्या नुकसान हो रहा है जिसका, नुकसान क्या इस समय जो निकासी बरसात होती है तो लोगों के घर गंदगी, इसकी गंदगी बहुत ज़्यादा है जी, और गाँव में पानी बढ़ जाता है, बीमारी फैलने का खतरा है, बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है ऐसे, अगर बरसात थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो घरों में पानी बढ़ने का ज़्यादा खतरा है जी। तो सरपंच का क्या आश्वासन है इसको लेकर जी? सरपंच तो हर बार नारे लगा देता है, उसको कई बार हम जाते रहते हैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद, उसको हम कहते हैं कि इसका कोई हल करो, लेकिन हर बार जो है नारे लगा देता है ऐसे ही हो। हाँ जी, आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? सर जी हमारे यहाँ का सरपंच सुनता नहीं है जी हमारी, वो अपनी मर्जी करता है, वो कहता है यहाँ से हमने काम किया, काम करता नहीं है बिल्कुल भी जी। हमने कई हर फिर जाते हैं उसके घर, वह कहता ठीक है जी वहाँ इसका वो फंड बोनस आएगा, पैसे आएगा तो काम करवाएंगे जी, और हमारी गली का काम कभी होता नहीं है जी। हर साल से का पैसा नहीं आया, कोई भी सरपंच खड़ा होता हमारे यहाँ से चंदने गाँव के अंदर, तो वादे करता है काम करते नहीं है जी। हर बारी हमारी गली ऐसी रह जाती है, कोई भी सरपंच आए तो हम गरीब जनता की हमारी गली है कोई सुनता नहीं है। अब वोट लेने आ जाते हैं यहाँ से, भाई हम
हमारा काम सुनो और हम करेंगे सारा काम। तो अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप चुनाव के समय कोई बहिष्कार करोगे किसी प्रकार? नहीं, हम किसी को आज तक तो कभी कर रहे नहीं है जी। हम आपकी वोट नहीं देंगे, इसको आपकी मनाएंगे भी नहीं हम किसको। तब पहला चुनाव होने से पहले ना इन्हें गलियां भी बनाई सरपंच ने, वो पहले पैसे का कबाए कहाँ से आ गए सर, हसारे काम करे ना सर चुनाव से पहले। ये वो कहीं ये भी अपनी करे काम नहीं होता, कभी कहीं से पैसे नहीं आ रहे, पहले किस तरह पैसे आ गए सरपंच के पास जी। धन्यवाद जी। तो देखा आपने दोस्तों इनका भी जरा थोड़ा, चलो कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे किस प्रकार के जो मकान है इनके साथ में, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या समस्या है जी? समस्या तो यह है सर, भी यहाँ ना तो कोई पानी का कोई हल नहीं हो रहा जी, मेरा तो पूरा मकान गिरा पड़ा जी उसमें। मान ले सरपंच ने बुलावा तो सरपंच आंदा नहीं है, किसी बिम्बर के पास जहाँ कोई बिम्बर नहीं आंदा जी, एवं हम क्या करा जी? तो आपका क्या नुकसान है? क्या नुकसान तो जी, मैंने भी मकान पाए जी, वैसे तो पहला पाए थे, पहले भी दीवार सारी गिर गई थी, अब पाया जी, देख लो सारे में पानी पानी खड़ा जी, मकान तो पूरे मकान में तैरेगी जी, दो बार मकान पा लिया पर कोई सुनता तो नहीं जी। जी धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि गुरमेज सिंह जी, इनसे जानेंगे इंद्रपुरी कॉलोनी में ये जो पानी को लेकर लोगों ने जो रोध जताया, ये क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है और क्यों ये इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, तो जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसमें इंद्रपुरी में जी समस्या ये मतलब पानी की बहुत ज़्यादा है, निकासी नहीं है। मैंने बार बार श्याम सिंह राणा जी पहले MLA थे उनको बहुत कहा, प्रस्ताव दिए, वो अपना देख के चले जाते थे, कोई मतलब ग्रांट नहीं आई इसकी। तो एक नाला हमने बनवाया था BDO की तरफ से, BDO ने JI ने बनाया था, वो नहर तक नाला निकाल दिया, पर इसकी निकासी इसलिए नहीं हो रही कि इसका डाल पहले उधर था, उधर दूसरी तरफ डाल था वो, इसी इन्होंने रेलवे वाले ने मिट्टी डाल दी उसमें, अब डाल इधर करने के लिए इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और सीवरेज डालना पड़ेगा। जब ग्रांट आएगी तो मैं काम लगा दूँ। तो पानी कहाँ कन्वर्ट करोगे जी आप? पानी तो इसका ये शमशान ये जो है पंचायती भूमि है, वहाँ एक किला खोद देंगे और पानी वहाँ चला जाएगा इसका।